देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफाई, सॉल्व करने वाले सिंप्लीफाई, वो भी बोर्ड मास के रूल में। ये बहुत ही इजी होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ये छोटी सी वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, सबसे पहले बोर्ड मास के रूल में हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी मीन्स ब्रैकेट, वो भी ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट इस टाइप का, सेकंड ब्रैकेट इस टाइप का, थर्ड ब्रैकेट इस टाइप का। ठीक, उसके बाद होता है ऑफ, उसके बाद होता है डिविजन, उसके बाद होता है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद होता है एडिशन, उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, ये होता है बोर्ड मास का फुल फॉर्म। आप लोग इसे ध्यान से देख ले या तो अपने कॉपी पे लिख ले। उसके बाद हमें इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, 4/7 / 5/7 × 9/11। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि हमारे ये जो बोर्ड मास के रूल में हम लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है, पहले डिवीजन आता है या पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक, तो पहले क्या आ रहा है? पहले डिवीजन आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ डिवीजन आ रहा है, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक, तो हम लोग पहले डिवीजन को डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड करने का भी अलग तरीका है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4/5, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सॉरी 4/7, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4/7। ठीक, उसके बाद हम लोग डिवाइड की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा 5/7, तो हम लोग इसे अपोजिट कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे, या ऊपर में 5 है तो हम लोग नीचे में 5 कर देंगे और 7 को ऊपर कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ 7 × 7 ये कट जा रहा है तो 1 बार में कटा देंगे, तो ये तो कट गया, अब बचा यहाँ 4 और यहाँ 5। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 5 × 5 होता है, 4 × 4 होता है, तो 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 4/5 मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 9/11 से। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 9/11 कर देंगे। उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 × 11 × 5 यानी कि 55, उसके बाद 4 × 9 = 36। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये जो आंसर है ये आपका होगा फाइनल आंसर। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग अपने बोर्ड मास को कैसे बना सकते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई को बोर्ड मास के रूल में कैसे बना सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक बार और आपको दूसरी वीडियो में समझा दूंगा। और अगर आप लोगों को ब्रैकेट वाली सिंप्लीफाई को समझना है बोर्ड मास के रूल में, तो वह मैं अपने अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।